यह दान रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उस पार रहेगा कितने दिन। तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने रहेगा कितने दिन। इससे तो खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बत। नमस्कार, मैं हूँ अजय सिंह, आप देख रहे हैं JNI News। JNI News में आप सभी का स्वागत। इस समय मैं बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक के अंदर रामलीला मैदान में बाबा जय गुरुदेव जी की विशाल मीटिंग में उपस्थित हूँ। और आइए देखते हैं यहाँ पर देवा जय गुरुदेव जी के जो अनुयायी है उनसे थोड़ी सी बात करके देखते हैं क्या विचार है। तो सबसे पहले तो जय गुरुदेव जी बाबा जी, आप अपना नाम बताइए। जय गुरुदेव जी महाराज के अच्छे से निर्माण की 62 पॉलिसी है जो जनजागरण यात्रा निकली है, उसका आज पड़ाव आपके यहाँ देवा में पहुँचा है। इसी समारोह में हर सत्र का आयोजन किया है, यहाँ सभी प्रदेशों से काम और सत्संग में अच्छे समाज के निर्माण, मद निषेध, सहायता घर सदाचार और यहाँ का बेटी अच्छे तो सम्मान कैसे चला सकते, ऐसे सभी विषयों पर एक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक संदेश सभी लोगों को सुना। और ये जय गुरुदेव बाबा जी के अनुयायी जिसे अभी बात हो रही थी, उन्होंने ये बताया है कि जो भी हम ये पांचवी विशाल दशा प्रदर्शन है, पांचवा सत्संग का जिला है और ये 65 दिवसीय धरना मतलब 65 दिवसीय सत्संग जन जागरण यात्रा का एक सूत्र बना रखा है, जो कि हर जिले में जा करके मतलब जो भी जय बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनको मद्यपान निषेध और मतलब ये चीज़ें त्यागने के लिए मतलब जो भी लोगों में सही तरीके से सद्भावना की बातें बताते हुए प्रवचन करते हुए लोगों में एक आस्था जगाने के उद्देश्य से इस सत्संग का मतलब आयोजन किया जा रहा है। और आइए देखते हैं नाम बताइए। और जन जन जी का संदेश है गाँव में, कोई ऐसा घर न छुपे जिसको ये न पता हो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शाकाहारी होगा। बाबा जी का संदेश है हर एक जन जन का संदेश। ये है बाबा जी गुरुदेव जी के अनुयायियों के मतलब विचार। और आप देख रहे हैं JNI News कैमरामैन जय सिंह के साथ अजय सिंह की एक रिपोर्ट।
प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष जय गुरुदेव आश्रम मथुरा प्रबंधक हूँ। इस समय 62 दिवसीय शाकाहार सदाचार मध्य से की आध्यात्मिक वैचारिक जनजागरण यात्रा 25 अगस्त से मथुरा से प्रारंभ हुई है और इस यात्रा के दरमियान 9 जिलों में प्रत्येक जिले के इलाकों में सत्संग आयोजित किए जाएंगे। इस समय मैनपुरी और कन्नौज और कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ जिलों से होकर के ये 5वे जिले बाराबंकी में पहुंचे हैं और बाराबंकी जिले के प्रत्येक ब्लॉक में संदेश होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों में भावना भरने का काम है कि लोगों को याद कराया जाए कि हमको ये मानव शरीर क्यों मिला और इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम इसको कैसे सफल बना सकते हैं। इसके लिए अगर कोई जानकार महापुरुष प्रभु को पाने वाले महात्मा मिल जाए तो यह हमारे लिए रास्ता ज़्यादा आसान हो जाएगा। समाज में जो इस समय हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है इसको दूर करने के लिए भी हमारा अच्छे समाज के निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। आपस में भाईचारा आ जाए, साथ ही साथ लोग शराब जैसे नशों से दूर हो जाए और आपस में लोगों में प्रेम आ जाए तो जो हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है हम समाज में खुशहाल तरीके से रहने लगे और प्रकृति भी हमारी आपकी नेचर भी मदद करने लगे कि समय से जाड़ा, समय से गर्मी, समय से बरसात। ये जो आप ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो ये जो पानी गिर रहा है तो कृपा ही पानी गिर रहा है, ये तो बड़ा पहले इसको बहुत बड़ी भगवान की कृपा मानते हैं। इस समय काश्तकारों की जरूरत थी तो बरस रहा है तो बहुत अच्छा है। तो ये जो आप अपने कार्यक्रम कर रहे हैं मुद्दा क्या? मुद्दा विशेष रूप से यही है कि हमें चाहते हैं लोग गृहस्थ आश्रम में रहें, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करें और थोड़ा सा समय अपने अपने रीति रिवाज से उस मालिक को।